वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन एयरफोर्स के Su-30MKI में स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया गया है। ऐसी कई सारी इमेजेस बाहर निकल के आई हैं, जिसमें Su-30MKI के साथ स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को देखा जा सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसी स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आइए जानते हैं स्पाइस 2000 बॉम्ब्स कैसा है और ये किस प्रकार से काम करता है। स्पाइस एक प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशन है, जिसे इसराइल की रफेल डिफेंस एडवांस सिस्टम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें बम्स में स्पाइस किट्स लगा के इसे प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशन में कन्वर्ट किया जाता है। ये स्पाइस बम्ब तीन वेरिएंट्स में आते हैं, जिसमें स्पाइस 2000 जो 1000 केजी का होता है, स्पाइस 1000 जो 500 केजी का होता है और स्पाइस 250 जो 100 केजी का होता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले इसमें टारगेट की सारी डिटेल्स को फिट कर दिया जाता है तथा उसके बाद इसे एयरक्राफ्ट पे माउंट किया जाता है। इस बम में एक बार में लगभग 100 टारगेट के डिटेल्स को आसानी से फिट किया जा सकता है और पायलट जिस टारगेट को चाहे उस टारगेट को सेलेक्ट करके इस बम्स को उस पे फायर कर सकता है। टारगेट की पहचान करने और उसे सटीकता से डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें एक IR यानी इंफ्रारेड कैमरा या फिर थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा होता है तथा उसके अलावा ये GPS के द्वारा भी ऑपरेट किया जाता है। इस बम की मैक्सिमम रेंज 60 किलोमीटर होती है, जिससे पायलट सेफ जोन में रहते हुए काफी दूर से ही अपने टारगेट पे इसे फायर कर सकता है। पायलट के द्वारा जब इसे टारगेट पे फायर किया जाता है तो इस बम में लगा इंफ्रारेड कैमरा या थर्मल इमेजिंग कैमरा उस टारगेट की पहचान करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बम को GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट या इनर्शियल नेविगेशन सैटेलाइट के द्वारा भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और ये अपने टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्पाई बम किसी भी हार्ड नेट सेल्टर जैसे कि किसी बंकर को उड़ाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस बम में ग्लाइड किट लगी होती है, जिससे ये आसानी से ग्लाइड करते हुए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए पहाड़ी के पीछे छुपे हुए दुश्मनों को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसी स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में की गई थी। स्पाइस बम को सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया गया था। चूंकि हर एक मिराज ऐसे दो बम्स को कैरी करने में कैपेबल है, इसीलिए अब इसे Su-30MKI में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, क्योंकि एक Su-30MKI ऐसे 6 बम्स को कैरी करने में सक्षम है। Su-30MKI में स्पाइस 2000 को इंटीग्रेट करने के बाद Su-30MKI की ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ने वाली है। Su-30MKI एक बार में 6 स्पाइस बम्स को कैरी कर सकता है, जो कि 3 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के बराबर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय 6 मिराजेस में 2-2 स्पाइस बम्स को लगाया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय मिराज 2000 के जगह पे अगर Su-30MKI होता तो हमें सिर्फ 3 Su-30MKI को भेजने की जरूरत पड़ती, जो कि 6 मिराजेस के बराबर हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 100 ऐसे बम्स का ऑर्डर इसराइल को दिया गया था, जिसकी डिलीवरी हमें लगभग हो चुकी है। जय हिंद।